दोस्तों, ग्रे मार्केट में तहलका मचा रही है ये आईपीओ, और लिस्टिंग के दिन ही करा सकता है आपको 55 रुपये का मुनाफा। और आज ही आपके लिए मौका है इसमें दाव लगाने के लिए। क्या है ये आईपीओ, क्या है इस आईपीओ की डिटेल, सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल आईपीओ वॉच के अंदर, जहाँ पे आपको मिलती है आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, क्या आप तैयार है फिर से एक नए धमाकेदार और तगड़े आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, जिससे आपकी भी वेल्थ क्रिएट हो जाए? तो दोस्तों, आप सही समझ रहे हो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुनीता टूल्स कंपनी की, जो एक ऑटोमेटिव फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपभोक्ता सामान और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए मोल्ड बेस और मशीनरी की पार्ट बनाती है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं कि सुनीता टूल्स की कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर हम इस 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिससे आपको इस वीडियो के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आपको इसको अवॉइड करना चाहिए या इसको अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे कंपनी की डिटेल्स, उसके बाद क्या है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या है इस आईपीओ की डिटेल्स, और लास्ट में हमारा रिव्यू कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 55 रुपये चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से और ग्रे मार्केट में डिमांड के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, परंतु आप हमारे पोर्टल पर रेगुलर चेक करते रहिएगा ताकि आपको ये सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आपको आसानी रहे। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की लिंक भी दे रखी है, जहाँ पे जाके आप इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक कर सकते हो। हम बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो आप सभी को ये जानने में काफ़ी दिलचस्पी होगी कि आखिरकार ये कंपनी करती क्या है। 1988 में स्थापित सुनीता टूल्स लिमिटेड ऑटोमेटिव फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपभोक्ता सामान और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए मोल्ड बेस और मशीनरी पार्ट्स बनाती है। कंपनी कस्टमाइज मोल्ड बेस, प्रिजेसिव फिनिश CNC मशीनिंग, प्लास्टिक मोल्ड बेस, पॉकेट मशीनिंग, इंजेक्शन मोल्ड बेस, प्रिसीजनल कंपोनेंट मशीनिंग, कैप्स और क्लोजर के लिए मोल्ड बेस, ब्लो मोल्ड बेस, स्टैंडर्ड मोल्ड बेस, कंप्रेसिव मोल्ड बेस, डाई कंडेंसेटिक मोल्ड बेस बनाती है। जी हाँ, इसका मास्टरी जो है वो इसके मोल्ड बेस में है। कंपनी काफ़ी प्रोग्रेसिव है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुनीता टूल्स की विनिर्माण इकाई वसई मुंबई में स्थित है, जिसमें 200x200 मिमी से लेके 4000x2000 मिनी के 30 टन वजन के तक के बड़े बड़े आयामी उत्पादन की क्षमता है। यानी ये कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। जी हाँ, इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सुनीता टूल्स कंपनी के वित्तीय सेहत में 2021 में कंपनी ने 6.92 करोड़ रुपये का रिवेन्यू हासिल किया था। इस अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 0.87 करोड़ रुपये रहा था, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के 8.89 करोड़ रुपये हो गया और इसका नेट प्रॉफिट भी 0.81 करोड़ रुपये हुआ। ऐसे ही कंपनी की वित्तीय सेहत में बढ़ोतरी होते हुए वित्तीय वर्ष 2023 में कंपनी का रिवेन्यू 14.17 करोड़ रुपये का हो गया और इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 3.38 करोड़ रुपये पर पहुंच गए। यानी कंपनी काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है और इसकी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कंपनी काफ़ी ग्रोथ कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 26 सितंबर को ओपन हो गया है और निवेशक इसमें 29 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का जो साइज़ है वो 22.05 करोड़ रुपये का रखा गया है
और इसकी प्राइस बैंड जो है वो 145 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। इसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। कंपनी ने इस इश्यू के तहत 50% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 50% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व किया है। इसकी लॉट साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 1000 शेयरों का इसका लॉट साइज़ रहेगा। इसका अलॉटमेंट आपको 5 अक्टूबर को फाइनल हो सकता है। वही 10 अक्टूबर के दिन ये लिस्ट होने के लिए भी रेडी है। जी हाँ, अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने बताया कि ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी यूनिक है और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि ये कंपनी आगे जाके भी ग्रोथ कर सकती है। तो एज पर अवर रिसर्च, आपको इस IPO में ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। माइट भी आपके लिए फ़ायदे का सौदा भी साबित हो सकता है। और जैसा कि हम हर बार हमारे IPO की अपडेट्स में और वीडियो में बताते हैं कि अगर आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपका ज़रिया हमेशा लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपको ये कंपनी दे सकती है। तो दोस्तों, आज के इस IPO को लेके आपका ओपिनियन क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही IPO की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।